गाइज, हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि उसे और एक मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए, कम से कम एक बार उसकी बात सुनी जानी चाहिए। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर के यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में ऐसे ही फ्रेज का यूज़ किया जाता है, जैसे कि दिया जाना चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, ऐसे सब। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा शुड की पैसिव फॉर्म, जैसे कि शुड बी। चलिए इसको यूज़ करने के कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद शुड बी, इसके बाद आपको हमेशा यूज़ करनी है, जैसे कि पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो यूज़ कर देनी है, इसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसे मामलों में पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। इन सच मैटर्स द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड। इन सच मैटर्स द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड। उसे और एक मौका दिया जाना चाहिए। ही शुड बी गिवन अनदर चांस। ही शुड बी गिवन अनदर चांस। सबको बराबर मौका दिया जाना चाहिए। एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल चांस। एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल चांस। ये फॉर्म पूरी तरह भरा जाना चाहिए। दिस फॉर्म शुड बी फिल्ड कम्प्लीटली। दिस फॉर्म शुड बी फिल्ड कम्प्लीटली। कम से कम एक बार उसकी बात सुनी जानी चाहिए। ही शुड बी हर्ड एटलीस्ट वंस। ही शुड बी हर्ड एटलीस्ट वंस।